हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है क्लास 12वीं ज्योग्राफी का, जो 3 फरवरी 2024 एग्जाम हुआ है, उसका हम आंसर की लेकर के आ गए हैं। यानी ये सेट जो है आपका आए हैं, सेट नंबर आए हैं। आप लोगों का कोई भी सेट हो, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके मिला लेंगे, क्योंकि बस सीरियल उल्टा फुलटा रहता है, क्वेश्चन सेम ही रहता है। याद रखेंगे, आप लोगों का कोई भी सेट हो, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके मिला लेंगे और देख लेंगे आपका कितना सही हो रहा है, जिससे आपको पता चले आपका स्कोर जो है ज्योग्राफी में कितना होने वाला है। ठीक है, जानेंगे आप लोग और अंत में बताएंगे आपका कितना सही हो रहा है। आपको इस वीडियो में 70 में 70 आपको 100% सही सही आंसर मिलने वाला है, यानी कि 70 में 70। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करेंगे, ठीक है ना। चलिए जानेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोर्ट्रेट कहाँ है, पोर्ट सैद कहा है, मोरक्को, मिस्र, पुर्तगाल, अल्जीरिया। तो एक का हो जाएगा, यानी आपका मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एक का मिस्र। दो है, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है आपको कैनबरा है, यानी कि दो का बी हो जाएगा। तीन है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश में अब संबंधित है, यानी ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तीन का हो जाएगा डी, यानी कि आपका उत्तरी अमेरिका। चार है, निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है, तो वायु प्रदूषण भी एक नगरीय समस्या है, पेयजल भी, मलिन बस्ती भी। इसलिए चार का आपका डी होगा, तो डी हो जाएगा। उसमें पांच है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में। पांच का हो जाएगा, यानी आपका बी, यानी कि अफ्रीका में। उसमें सिक्स है, सिक्किम की राजधानी है, तो गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलिए सात है, बेला डीला किस राज्य में है, यानी बेला डीला जो है आपको किस राज्य में है, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश या गोवा। तो सात का हो जाएगा, यानी आपका ए, यानी कि छत्तीसगढ़। आठ है, नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, गुजरात, असम, राजस्थान या महाराष्ट्र। आठ का हो जाएगा बी, यानी कि असम में। कहाँ पे है, तो असम में है। नौ है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है, तो यानी कि भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक है, क्या है, एक है। दस है, मोरमो गांव पतन किस नदी पर स्थित है, मांडवी, जुआरी, नर्मदा या कृष्णा। यानी दस नंबर का इसका आंसर हो जाएगा जुआरी, यानी कि बी द राइट आंसर। ग्यारह है, निम्नलिखित में से कौन भू आवद पतन है, विशाखापट्टनम, यानी कि ग्यारह का ए द राइट आंसर। बारह है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, यानी कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो आपको यमुना जो है सबसे प्रदूषित नदी है। बारह का बी हो जाएगा। चलिए तेरह है, योकोहामा किस देश में अवस्थित है, जापान, रूस, ग्रेट ब्रिटेन या चीन में। यानी कि तेरह का हो जाएगा आपका ए, यानी कि जापान में। चौदह है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 30 वर्ष से कम, 20 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष से कम या 15 से 59। चौदह हो जाएगा आपका डी, यानी 15 से 59। 15 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें, जानेंगे निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया श्रमिक ले जाया, यानी गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे, यानी सूरीनाम, फिजी, इसके बाद सीमे है, मॉरिशस। 15 का हो जाएगा, यानी आपका डी हो जाएगा, एमएस सभी 15 का हो गया। चलिए कहां चले गए, यानी कि 16 नंबर है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या पंजाब। 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार, क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। 17 है, पैट्रिक गिडीज का संबंध है, पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है, यानी कि 17 का आपका हो जाएगा ए, सदरंगर से। 17 का ए द राइट आंसर।
18 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। 19 है, निम्नलिखित में कौन शैक्षणिक नगर है? अजमेर, श्रीनगर, रुड़की या इम्फाल? आपका हो जाएगा 19 का सी, यानी कि रुड़की। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? 20 नंबर का अग्रणीय राज्य है तो आपका मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पे है, चार ऑप्शन के हिसाब से। 21 है, चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? गुजरात, बिहार, असम, सिक्किम। आपको पता होना चाहिए, आप पता भी होगा आप लोगों को कि चाय के उत्पादन के मामले में असम जो है प्रथम स्थान पे पूरे हिंदुस्तान में, लगभग 28% यहाँ पे जो है क्या होता है यानी कि चाय की खेती की जाती है। चलिए हम चलते हैं 22 पे, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है कब लागू किया गया था? 1986 हो जाएगा 22 का ये द राइट आंसर। 83, काकरापारा किस राज्य में स्थित है? गोवा, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। 23 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि काकरापारा जो है आपको गुजरात राज्य में स्थित है। 24 है, मुंबई हाई क्या है? कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, तांबा क्षेत्र या अवरक क्षेत्र? मुंबई जो है आपका पेट्रोलियम क्षेत्र है, क्या है? पेट्रोलियम, यानी कि बी हो जाएगा। 25 है, बाबा बुदन पहाड़ी प्रसिद्ध है कोयला के लिए, पेट्रोलियम के लिए, लो एस के लिए या अवरक के लिए? 25 नंबर का यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि लोह एस्क के लिए। 26 है, निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य? यानी कि चीनी उत्पादन में अगर अग्रणीय राज्य पूछा जाता है तो आपको पहला स्थान पर महाराष्ट्र आता है। अगर यही पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में चीनी मिलों की संख्या ज्यादा है, तब होता उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? याद रखेंगे कोई किंतु परंतु ने 100% आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ही होगा, इसमें कोई डॉट नहीं। बहुत को डॉट रहता है यूपी मार देता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। 26 का क्या हो जाएगा आपका बी होगा। 27 नंबर, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या पश्चिम बंगाल? 27 का हो जाएगा आपका सी, यानी कि बड़ोदरा जो है आपको गुजरात राज्य में स्थित है। 28 है, हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? हरिके बांध जो है कहाँ पे है, किस राज्य में है हरिके बांध? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, क्या जगह आपका बी, यानी कि पंजाब में हरिके बांध है। 29 है, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यानी कि आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं के बराबर अगर बात करेंगे 29 का आपका डी हो जाएगा, सैन्य भूगोल। 30 है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? नॉर्वे, कनाडा, भारत, चीन। मानव विकास सूचकांक अगर बात करेंगे प्रथम स्थान पे कोई और देश नहीं, क्या है तो नॉर्वे है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? आप सबको पता है आखेट जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसलिए आपका 31 क्या जाएगा आपका 31 का ए हो जाएगा आखेट। आखेट क्या है तो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप है। 32 है, चलिए ट्रक कृषि का संबंध है फूल से, सब्जी से। ट्रक कृषि जैसे ही आ जाएगा समझ जाएगा ये क्या है, कृषि यानी कि सब्जी से है, किससे? सब्जी से। 33, पेरिज से आप क्या समझते हैं? पेरिज से आप क्या समझते हैं? घास का मैदान, वन, मरुस्थल, इनमें से कोई नहीं। नंबर कितना है? 33, क्या जगह आपका 33 का ये हो जाएगा घास का मैदान द राइट आंसर। 34 है, निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? देंगे निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तांबा, सीमेंट, लौह इस्पात उद्योग। तो 34 का हो जाएगा देने का क्या हो जाएगा, क्या कहा है, खनिज आधारित उद्योग नहीं है तो सूती वस्त्र उद्योग नहीं ना कहता है, इसलिए क्या हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। 35 है, लोहा एवं इस्पात उद्योग है आधारभूत उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। तो 35 का हो जाएगा लोहा इस्पात जो है आपको आधारभूत उद्योग है, क्योंकि लोहा पर ही अधिकतर जितने भी उद्योग हैं सब डिपेंडेंट रहते हैं। 35 का द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 है, कोची पतन स्थित है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में। कोची जो है आपको केरला में है, कहाँ पे है? केरल में। चलिए 37 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी कि अगर 2011 के जनगणना को काउंट करेंगे तो उस समय हिंदुस्तान की जनसंख्या थी 121 करोड़। कितना? 121, यानी 121।
वर्तमान में कितना है तो 142,86,00,000। चलिए 38 है, 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी तो 31.16% यानी कि नगरीय जनसंख्या थी। 38 का आपका ए हो जाएगा। 39 है, जिब्राल्टर का संबंध है सड़क मार्ग से, पाइपलाइन से, समुद्री मार्ग से, वायु मार्ग से, तो 39 का हो जाएगा यानी आपका सी, यानी कि जिब्राल्टर का जो संबंध है आपको समुद्री मार्ग से है। 40वां क्वेश्चन है, भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर, सॉरी भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ थी, यानी कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर, या पुरुष भी कहे ना तभी क्या हो जाएगा आपका बिहार होगा, है ना। 2011 में महिला हो या पुरुष साक्षरता के मामले में सबसे अंतिम पायदान पे थे, और प्रथम पर कौन सा देश था, सॉरी कौन सा राज्य था, तो केरल था, है ना। यानी कि अगर पूछे भारत में 2011 में महिला या पुरुष साक्षरता दर में सबसे उच्चतम तो केरल, सबसे कम तो बिहार। 41 रोबस्टा संबंधित है चावल से, गन्ना से, चाय से, कहवा से, रोबस्टा जो आपको कहवा यानी कि है ना कॉफी से संबंधित होता है रोबस्टा कहवा। 42 है, नरमा संबंधित है, नरमा संबंधित है कपास से, चाय से, गेहूं से, इनमें से कोई नहीं, नरमा जो है आपको कपास से संबंधित है। 42 है, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है स्वेज नहर से, पनामा नहर से, उत्तरी अटलांटिक महासमुद्री मार्ग से, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। 43 का आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। 44 है, चैनल टनल जोड़ता है लंदन, बर्निंग बर्निन, पेरिस, पेरिस लंदन, तो 44 का आपका सी हो जाएगा यानी पेरिस टू लंदन। 45 है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1948, 1950, 1951, 1960। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था यानी कि 45 का ए हो जाएगा। 46 आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जाकार्ता, टोक्यो, दिल्ली या वियना। आसियान का मुख्यालय जो है आपको जाकार्ता, कहाँ पे है, जाकार्ता। 47 है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से। 47 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि उत्तरी अमेरिका से, है ना। 48 है, वृत्ताकार वस्ती प्रतिरूप पाया जाता है झील के पास, नदी के पास, तट के पास, इनमें से कोई नहीं, 48 का हो जाएगा ए यानी कि झील के पास जो है वृत्ताकार वस्ती पाया जाता है। 49 डोवर पतन कहाँ है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, डेनमार्क में, स्वीडन में। 49 का हो जाएगा जानेंगे आपका यानी कि कहाँ पे है डोवर पतन, तो इंग्लैंड में है यानी कि 49 का ये हो जाएगा। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या असम। 50 का आपका हो जाएगा जानेंगे सी यानी कि उत्तर प्रदेश जो है बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 51 है, डिगबोई प्रसिद्ध है लोहा के लिए, पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, चांदी के लिए। डिगबोई जो है आपको पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए, पेट्रोलियम के लिए। चलिए 52 है, निम्नलिखित में कौन अवरक उत्पादन में अग्रणी राज्य है, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या बिहार। यानी कि अवरक उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, 52 को देखेंगे तो क्या जाएगा आपका ए यानी कि झारखंड, क्या हो जाएगा झारखंड। 53 है, रावत भाटा किस राज्य में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है कि गोवा में है, यानी कि कहाँ पे है तो आपको राजस्थान में है, रावत भाटा जो आपको राजस्थान में है ना। 54 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो तापीय ऊर्जा यानी कि डी द राइट आंसर। 54 है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1964 में, 65 में, 66 में या 84 में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है आपको 1964 में होता था, 1964 में, यानी कि आपको 65 भी रहता है परंतु होगा है ना, चलो 64 ही होगा। उसमें 56 है, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ किया गया था, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहीं और नहीं आपको कोलकाता में, कहाँ किया गया था, कोलकाता में, इसके बाद दूसरा स्थान पर यानी कि मुंबई में, है ना, 1811 के आसपास कोलकाता में, और
88 के आसपास जो है आपको मुंबई में सूती मिल का स्थापना किया गया था। प्रथम बार पहला बार ना पूछा गया है तो क्या जगह आपका ये होगा कोलकाता होगा, कोई किंतु परंतु नहीं, 100% सही है। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में जो है वायु परिवहन की अगर बात करें शुरुआत के, तो 1911 में हमारे देश में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी और 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में। चलिए प्रश्न चलते हैं 58 पे। हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात है? यानी कि हजीरा जो है आपको गुजरात में, कहाँ पे है? तो गुजरात में है। 59 है, मंगलोर पतन स्थित है गोवा में, कर्नाटक में, केरल में, उड़ीसा में? 59 का हो जाएगा, यानी कि मंगलोर जो है आपको कर्नाटका में है, कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। 60 है, शहरी धर्म कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? 60 का शहरी धर्म कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो 60 का आंसर 60 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि वायु प्रदूषण। फिर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? 61 का राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुजरात। 62 है, रुको और जाओ का, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो नव निश्चयवाद, यानी कि सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, जनसंख्या परिवर्तन घटक कौन है? जन्म मृत्यु, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन, परिवर्तन यानी कि जन्म के बाद भी परिवर्तन होता है, मृत्यु के बाद भी होता है, प्रवास के बाद भी होता है, इसलिए 63 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक है आपका जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी है। ठीक है। 64 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, डी, इनमें से सभी? यानी 64 का आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी, यानी इनमें से सभी, यानी कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का उपागम है? तो सभी हो जाएगा। 65 है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है? खनन, सेवाएं, खाद प्रसंस्करण या कुटीर उद्योग? 65 का आपका आंसर हो जाएगा, देने बी, यानी कि सेवाएं जो है आपका तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी सेवाएं। 66 है, कोल खोज उदाहरण है सामूहिक कृषि का, मिश्रित कृषि का, एकल कृषि का, इनमें से कोई नहीं? कोल खोज उदाहरण है 66 का, यह हो जाएगा आपका देने सामूहिक कृषि का। किसका? सामूहिक कृषि का। 67 है, अंगूर की खेती संबंधित है, अंगूर की खेती जो है किस चीज से संबंधित है? तो आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। 67 का डी हो जाएगा। 68 है, निम्नलिखित वृक्षों में से किससे च्युइंगम संबंधित है? च्युइंगम तार वृक्ष, खजूर वृक्ष, जोपोटो वृक्ष या रबर वृक्ष? तो च्युइंगम का चर्चा जैसे ही किया जाएगा याद रखेंगे जोपोटा वृक्ष, यानी कि सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने च्युइंगम संबंधित है किन वृक्षों से? तो जोपोटा वृक्ष। 69 है, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? बैंक 69 का यह हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी का, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर की लंबाई कितनी है? समथिंग 72 के आसपास है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी प्रकार से आपको हिंदी का भी जितने भी विषय हैं सबका आंसर की आता रहेगा और 100% आपको हम सुधार करके देंगे। ऐसा नहीं जो पहले वीडियो बना देते हैं गलती उल्टी कुछ भी बना के दे देते हैं, जब अपलोड कर देते हैं बच्चे सब क्या करते हैं उसी में डिप्रेशन में आ जाते हैं, जब पता चलता है सही क्वेश्चन भी उनसे गलत हो गया। अतः आप लोगों मैं जो है 100% पूरा देने का प्रयास करूंगा और करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। अतः अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे अच्छे अच्छे जानकारी, सही से जानकारी या सही से पढ़ाई लिखाई 11-12 में, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।